बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जाने पकवान देखने वालों को मेरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का पे करम होगा। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं वो दो टाइप की सॉस हैं, थाइनी सॉस और रेड सॉस। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए मैंने दो कप मायो ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो कप मायो में एक टी स्पून भर के काली मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक हसबे जायका, मायो में भी हल्का सा सॉल्टी टेस्ट होता है, इसके नमक मैंने एक टीस्पून यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। लहसुन के जवे लिए हैं 5, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका लिया है 2 खाने के चम्मच। सिरका की हमें ज़रूरत पड़ी थोड़ा सा और डाल लेंगे, लेकिन 2 खाने के चम्मच फ़िलहाल काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके साथ ही सेसमी सीड्स हैं, तिल, सफ़ेद तिल 2 खाने के चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉस थोड़ी सी थिक है तो थोड़ा सा ग्राइंड होने में इसे मसला आ रहा है। थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच सिरका मैं और थोड़ा सा डालूंगी, या आपके लिए ऑप्शन है आप चाहें तो दही भी 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिरके के एक सिरके का इस्तेमाल किया है। इसको हम दोबारा से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप यहाँ अब हम डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 खाने का चम्मच थाइम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सॉस बिल्कुल रेडी है। अच्छा, एक काम आपने और करना है, जब अगर आपकी मशीन जो है वो बहुत सॉस बहुत थिक होती है तो अक्सर जो है ग्राइंडर वो आपका नहीं चलता, काम नहीं करता, तो थोड़ी सी आप सॉस मायो इसमें और भी डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी सॉस तैयार है। अब हम साथ इसके रेड सॉस तैयार करेंगे। रेड सॉस के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तकरीबन 6 खाने का चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेड सॉस के लिए सबसे पहले जो लाल मिर्चें हमने पानी में भिगो के रखी हुई थी, इसके लिए आप साबुत मिर्चें भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक 1 भर के खाने का चम्मच, ऑयल 2 खाने के चम्मच, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो सबसे बेहतर है। लहसुन के जवे 5 अदद, सिरका 2 खाने के चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज 1/2 मैंने लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े साइज़ का हो तो उसका आपने 1/4 हिस्सा लेना है। छोटा प्याज था मीडियम साइज़ में तो उसका मैंने हाफ लिया। मीडियम प्याज का 1/2 आपने लिया है, 2 खाने के चम्मच। चीनी थोड़ी सी मैंने बचा ली है, फुल भरे हुए थे तो आप लेवल पे 2 खाने के चम्मच इसमें डाल लें। इसको अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉस तैयार है। रेड सॉस भी बहुत ही ज़बरदस्त सी दोनों सॉस बनी है। इसको आप दोनों को फ्रिज में रख लें तो काफ़ी टाइम आपका गुजार जाएंगी। पिज़्ज़ा शॉर्मा बनाने के लिए आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा। थाइनी सॉस और रेड सॉस मैंने आपको बनाना सिखाई है। मुझे उम्मीद है आपका आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।